हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजू का किचन घर। आज मैं इस सूखी हुई सांगरी से अचार बनाऊंगी। ये अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मारवाड़ी लोग इसे बहुत ज़्यादा बनाते हैं और इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। सब्ज़ी तो आपने खाई होगी और अगर नहीं खाई है तो हमारी रेसिपी को देखकर बनाइएगा। आज मैं इससे अचार बनाऊंगी। बहुत लोग अचार बनाते हैं तो इसे पानी में पहले फुलाते हैं, लेकिन मैं बिना पानी का यूज़ किए हुए इस अचार को बनाऊंगी। आप हमारी वीडियो को फुल देखिएगा तो आप हमारी तरीके से बना पाएंगी। इसे मैं पानी में बिल्कुल नहीं फुलाऊँगी। पानी में फुलान देने से अचार ख़राब हो जाता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ये पूरा साल भर तक आप आराम से रख सकते हैं और इस अचार का मज़ा ले सकते हैं। तो फिर चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसे मैं कैसे बना रही हूँ, और आप भी ज़रूर इसे बनाइएगा। इसे आप एक बार बना लेंगे तो आपको हर साल बनाने का मन करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना बाद में आप भूल जाएंगे। ये सांगरी तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन फिर भी आप इसे चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई तिनका वगैरह हो तो उसे आप निकाल दीजिएगा। अचार बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम कच्चा आम लिया है। इस आम को हमने धो लिया और इसके छिलके को उतार ली हूँ और इसे कद्दूकस कर ली हूँ। इस मोटे वाले साइड से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें इस सांगरी को डालेंगे और इसे हाथ से थोड़ा फैला देना है। इसे अच्छी तरह से पूरे बाउल में थोड़ा फैला देंगे और ये जो हमने आम को कद्दूकस किया है इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। सांगरी हमने वज़न में 150 ग्राम लिया है। आप इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम और ज़्यादा भी कर सकती हैं। सारे आम को हम इसमें डाल देंगे और इस आम से हम सारे सांगरी को ढक देंगे। थोड़ा भी सांगरी नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत लोग पानी में फुलाते हैं, लेकिन मैं पानी में नहीं फुलाऊँगी। अभी आप देखिएगा कि हमारी सांगरी किस तरह से फुलती है। अब मैंने नॉर्मल चम्मच लिया है, इस चम्मच से ही मैं नमक डालूंगी। मैंने इसमें 4 चम्मच नमक डाला है। और 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी हमारे अचार को ख़राब नहीं करता है और ऐसे भी ये एंटीबायोटिक भी होता है। अब इस नमक हल्दी को हम हल्के हाथ से थोड़ा मिला देंगे। बस हल्के हल्के हाथों से मिलाना है आम के ऊपर। सांगरी पूरी अच्छी तरह से आम और नमक से ढका हुआ होना चाहिए। सांगरी कहीं से भी नज़र नहीं आना है। अब इसे हम एक प्लेट से कवर करके रख देंगे। करीब 8 से 10 घंटा हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। 8 से 10 घंटे के बाद देखिए हमने प्लेट हटा दिया है और अब मैं दिखाती हूँ। आप देखिए इसमें आम ने कितना पानी छोड़ दिया है। हमने आम में जो नमक डाला था उसे कितना पानी छोड़ा और उसी में हमारी सांगरी फूल गई। मुझे अलग से इसे पानी में उबालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। देखिए अब सारे को हम मिक्स कर देंगे। एक एक सांगरी फूल चुकी है। आप भी जब अचार बनाइएगा हमारे तरीके से बनाइएगा तो ये अचार आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मैंने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। और अभी जो इसमें पानी है वो हमारे आम और नमक का ही पानी है। मैंने इसमें अलग से कोई पानी का यूज़ नहीं किया है। बहुत अच्छी तरह से सांगरी फूल गई है। अब इसमें मसाला मिलाएंगे। हमने वापस से वही चम्मच का यूज़ किया है जिससे हमने नमक नाप के लिया था। और ये मैं 2 चम्मच पीला पिसा हुआ सरसों डाल रही हूँ। आपके पास पीला सरसों नहीं हो तो आप काला सरसों भी यूज कर सकते हैं। और 1 चम्मच ये हमने सौंफ डाला है और 1/2 चम्मच ये मंगरेला डाली हूँ। और ये 1/4 चम्मच मेथी का दाना है, इसे भी हमने मोटा मोटा कूट के डाला है। और ये मैं 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है और इससे कलर भी अचार का बहुत अच्छा आता है। और ये हमने 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हींग डाला है। अब सबको हम मिक्स कर देंगे। हींग का अचार में अलग ही फ्लेवर होता है। बिना हींग के अचार खाने में मज़ा नहीं आता है। अब सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले अचार में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो ये मैंने 1.5 कप सरसों तेल लिया है। इसे हमने थोड़ा गर्म करके और ठंडा कर ली हूँ। ठंडा करके ही तेल को इसमें डालना है। मैं जो भी अचार बनाती हूँ उसमें धूप बिल्कुल नहीं दिखाती हूँ और अचार हमारे बिल्कुल ख़राब नहीं होते। अचार ख़राब होने का बस एक ही कारण होता है कि जब आप अनाज के हाथ से या फिर पानी का हाथ अचार में लगाते हैं तभी अचार ख़राब होता है। ऐसे अचार ख़राब नहीं होता है।
ये अचार मैं बनाई हूँ, इसे मैं साल भर तक स्टोर करके रखूँगी। आप हमारे तरीके से बनाइएगा तो आपकी भी अचार साल भर से ज़्यादा चलेंगे। आपको हमारे अचार बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब इसे एक एयर टाइट कंटेनर में हम भर के रख देंगे और आप चावल के साथ, रोटी के साथ या फिर किसी भी स्नैक्स के साथ इस अचार का मज़ा लीजिए। आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। अगर आपको भूख भी नहीं है तो भी आप इस अचार के साथ रोटी खा लेंगे, आपको तुरंत भूख लग जाएगी। अचार का कलर भी देखिए बहुत सुंदर आया है और हींग की खुशबू तो पूरे घर में फैल रही है। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। आप इसे ज़रूर से बनाइएगा और कमेंट भी हमारे साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अच्छी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।